बना रहे हैं हम घी। आज मैंने कहा सुबह सुबह यही वाला काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और पता है बहुत सारा हो रहा है मलाई मेरा, मेरे को लग रहा है करीब 15 से 20 दिन का ये मलाई है, क्योंकि अब दूध बीच में कम लिया है ना थोड़ा सा, तो इसलिए मलाई भी कम हुआ है। लेकिन 15 दिन की तो है ये मलाई मेरी। मैंने कहा चलो सुबह सुबह ये वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम भी ना थोड़ा सा मतलब हो तो फटाफट जाता है, ऐसा नहीं है कि टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो पहले मैंने इसको ब्लेंडर से ब्लेंड किया था, अब मैं हाथ से इसको निकाल रही हूँ। हो चुका है, बस पानी छोड़ दे थोड़ा सा तो फटाफट से मेरा काम ख़त्म हो जाएगा ये। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं इवनिंग से। इस टाइम अभी 4:30 बज रहे हैं, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और पता है सुबह से ना मैं छोटे छोटे कामों में लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। कुछ शूट भी किया है तो वो शायद या तो इससे पहले जो व्लॉग आएगा उसमें आएगा, या मे बी इसमें ऐड कर दूँगा, अभी मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है आज, पता है क्या हुआ? ये चीज़ कई बार हुई है पहले भी, कि कंप्लेंट की थी हम लोगों ने कि बच्चों का जो बस ड्राइवर है वो बड़ी फास्ट बस निकालता है, तो बच्चों क्योंकि हम लोग बच्चों पे बहुत निगाह रखते हैं, तो मैंने कई बार पूछा तो बच्चे बताते हैं, तो हम लोगों ने कई बार कंप्लेंट की। बट आज उसने एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट कर दिया। बच्चे वैसे 3 बजे आ जाते हैं लेकिन आज 4 बजे आए और मेरी सांसें अटकी पड़ी थी कि बच्चे इतना लेट क्यों हो गए। बट भगवान का शुक्र है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल शायद मैं स्कूल जाऊंगी और वहां पे उसकी कंप्लेंट करूंगी। कंप्लेंट ज़रूरी हो गई है, वैसे मैं ये नहीं चाहती, बाकी और पेरेंट्स भी कर रहे हैं, मेल डाल रहे हैं, आज मीट करने भी गए हैं स्कूल में विज़िट करने। बट पता है प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको भी तो समझना चाहिए, हमारे बच्चे हैं, हम इनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं कि आप जैसे मर्जी गाड़ी चलाएं और बच्चों को कोई दिक्कत हो जाए तो कौन बर्दाश्त कर सकता है? कोई भी पेरेंट नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मैं डायरेक्ट विज़िट करूँगी, मैं फ़ोन पर बात नहीं करूँगी, कि देखो जॉब भी बच जाए उस बंदे की, जॉब को भी कुछ ना हो और मेरे बच्चे भी सेफ रहें। मेरे बच्चे इन द सेंस कि बस में जितने भी बच्चे हैं या दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सब सेफ रहें। और ये कंप्लेंट ना सिर्फ मेरे बच्चों के बस ड्राइवर की नहीं है, मैंने दिल्ली में भी देखा था कि हमेशा यही कंप्लेंट आती है कि जो स्कूल बस ड्राइवर होते हैं उनकी गाड़ी हमेशा ही पता नहीं कौन सी स्पीड पर रहती है, गॉड नोज़। और टू बी ऑनेस्ट मुझे बाकी जगहों का नहीं पता, लेकिन जिस बस में मेरे बच्चे जाते हैं या जिस स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं वहाँ पे पेरेंट्स इतने पंक्चुअल हैं, दो चारों का तो मैं नहीं कहती हूँ, कभी कभी सभी हो जाता है, लेकिन पेरेंट्स इतने ज़्यादा पंक्चुअल हैं कि टाइम से अपने बच्चों को पहुँचाते हैं। चलिए तो बहुत सारी गपशप हो गई, अभी चलते हैं, मैं जा रही हूँ, मार्केट भी जाऊँगी, हॉस्पिटल भी जाऊँगी, और बहुत मतलब बातों में ही सारा व्लॉग निकला जा रहा है। रास्ते से उसने लेके आया GPS का यही होता है भैया, एक रास्ता बंद है दूसरा रास्ता दिखा दो जहाँ जाम कम है, वो बस जी वो कई बार GPS भी हट जाता है ना, रास्ता यही है तो एक हाँ, है बस। हाँ बस वही हुआ था हमारे साथ उस दिन, जबकि रास्ता अच्छे से पता था हमें कि हमें किस पे जाना है, लेकिन इन्होंने वो GPS लगा लिया उस दिन, पता नहीं क्यों बहुत परेशान हुए, रात का टाइम था, कोई रास्ता भी नहीं। मैम डॉक्टर सुखेश, मनप्रीत देखो सेफ बनाओ, है डॉक्टर सुखेश, 4:30 क्यों होगी? अच्छा नहीं, मुझे 5:30 का पता है, क्यों क्या हुआ? एक ही निकाला है ना आपको। अर्लियर भी एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स,
सडनली गिव यू बिल 3 or 4 lakh रुपी वी कैन नॉट सीन दिस ट्रैक्टर राइट नाउ अदर ट्रैक्टर कंडीशन इज दिस जस्ट गिव डिस्काउंट ऑफ फॉरेन से है ना जो लोग हैं तो उनके यहाँ दिनों हमारे यहाँ घाट होती है तो इनकी रात में भी हेलोविन तुम्हारे स्कूल में नहीं हो रहा? हाँ, कब से होने लगा हमारे स्कूल में? नहीं हो रहा, कब से होता है? कभी नहीं हुआ। वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं, क्यों होगा हमारे स्कूल? मुझे ना तोरण लाना है, प्यारा सा तोरण लाना। क्या देख रही है गुड्डू? अब तो कुछ नहीं देख रहा था। नहीं, कुछ तो चला था, मैंने आवाज सुनी है। शॉर्ट्स बंद करो, बोला ना बंद कर दो फोन। ओके, गेम खेल लूं? नहीं मम्मा, डैडी। हाँ बेटा, शीशा खोलना। ये तो डैडी को पता है, वो क्यों जा रहा है? पियानो बज रहा है ऊपर, पियानो वो रहा दिख रहा है। चलो बेटी, अभी हम पहली बार आए थे, एक्सीलेटर खराब थी। बाटा तो अब ट्विस्ट हो गया, तो हो ही गया ना फिर, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। होम सेंटर देखते ही ना मेरा मन ललचाने लगता है कि बस इसमें अंदर चलो और घर के लिए कुछ खरीद के लाओ। होम सेंटर मेरी वीकनेस है शॉपिंग की। ये ड्रॉप्स है ना, कैमरे में अलग दिख रही है, अभी सामने से दिखेंगे ना, लेकिन लाइटिंग तो दिख रही है ना, कलर्स तो दिख रहे हैं ना। नहीं देख, दिख रही है यहाँ पे ड्रॉप्स, देख वाइट में आ गई ना सारी। ये वाला देखो फर्स्ट। हाँ ये किसी भी सूट पे डाल लो, बहुत सारे सूट ऐसे होते हैं ना जो लेते ही नहीं है हम, ऑनलाइन वैसे लेते हैं बस, कुर्ता और पजामा। कौन सी निकालना? एक्चुअली मैं रोज में तो ये पहने जाती नहीं है, मैं सोचती हूँ कि एवर ग्रीन चीज़ हो। ये चीज़ है, ट्रेडिशनल चीज़ है। बस मेरा वही इंटेंशन रहता है, जब साड़ी लो तो फिर एवर ग्रीन हो। ये चीज़ है, यहाँ चलिए कल आउट हो जाएगी। तो बस चलो सूट और देख लेते हैं। रुक जाओ ना 2 मिनट। अभी इतनी जोर से गिरती ना, और फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है। बहुत ज़्यादा नहीं लिया, बस थोड़ा सा लिया है, बट आउट ऑफ बजट लिया है जो भी लिया है। यस मैम, आपको कैसा लग रहा है कि मेरी शॉपिंग हुई अकेले की, आपकी नहीं हुई? हर बार यही होता। सुनो, अभी मैं ना एक सूट लेने के मूड में हूँ। क्या स्कूल शूज?
नहीं यहाँ नहीं होंगे ना स्कूल शूज़, स्केचर्स वो स्केचर्स में काम करते हैं, वो बाटा में ही मिलेंगे, बाटा यहाँ पे है नहीं। हम जब लास्ट टाइम आए थे तो नीचे से नीचे ही चले गए थे, लेकिन होम सेंटर आए थे, और इस बार हमने काफ़ी सारा एक्सप्लोर किया है। शूट इसलिए नहीं किया, तो बच्चा रो रहा है, टुक्कुर हो रहा है। नहीं तुम दोनों कभी भी ऐसे नहीं रोए, थैंक गॉड, थैंक गॉड, कभी भी ऐसे नहीं रोए, कभी तुमने मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं की। ब्रूम मशीन पहले कभी कभी दिखाई देती थी, ये ब्रूम मशीन सब तो हर मॉल में हर हॉस्टल चल रहा हूँ। हम नीचे हैं फिर फ्लैट 20% ऑफ, और मार्क्स स्पेंसर्स में होता है अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाते हैं काफ़ी टाइम, बट नॉट ऑलवेज। मार्क्स स्पेंसर्स का कपड़ा मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है अकॉर्डिंग टू ऑल, जो भी ब्रांड्स हम लोग लेते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुझे मार्क्स एंड स्पेंसर्स का कपड़ा अच्छा लगता है। और ये येलो कलर, वो बसंती वाला येलो वो कलर है ये, और आई हेट येलो कलर। मतलब सामने देख के अच्छा लगता है बट मैं नहीं पहनती, बट ये कलर अच्छा लग रहा है। इधर लेडीज फियर्स हैं, इधर जाना, हमें जाना है किधर किधर किधर, जहाँ हमें पसंद आ जाएगा हमें जाना है उधर 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 ना। आई लाइक दिस बट ब्लू आई डोंट वॉन्ट द ब्लू। ब्लू मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, मैक्सिमम मार्क्स एंड स्पेंसर्स का ही है। ओके नाउ वी आर गोइंग देयर। बात यह साड़ी तो ली है लेकिन ब्लाउज कहाँ से आएगा, क्या कहाँ से आएगा? हाँ क्या ब्लाउज ब्ला बताओ, किसी दूसरे ब्लाउज को निकाल लो फिर, एटलीस्ट मैचिंग तो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी कुछ भी नहीं निकाल क्यों बेच रहा है, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। डैडी के साथ कोई नहीं चलेगा, जाएंगे मेरे साथ और मुझे ही परेशान करेगा, पूरा हो जाएगा। शॉमी है फायर, इतना सुंदर से ट्री सजाया हुआ है ना ये। इस मॉल में ना बहुत ज्यादा रश नहीं होता है, एग्जिट किधर? ओके मॉल से जब भी बाहर आओ ऐसे लगता है मतलब कहाँ इतने ट्रैफिक में शोर में आ गए, और हमेशा यही होता है। अंदर म्यूजिक का साउंड होता है लेकिन बड़ा लाइट सा साउंड होता है, पीछे आप देख सकते हो ट्रैफिक का पैं हॉर्न बज रहा है। ये कहाँ गया? वो तो वहाँ से कूद गया। शाबाश प्रज्वल, पीछे की तरफ कूद गया और पीछे उल्टा जा रहा है। उल्टा कहाँ जा रहा था? उल्टा कहाँ जा रहा था? नहीं फिर पीछे कहाँ जा रहा था? मुझे लगा गाड़ी लगने से थोड़ी ना गाड़ी उधर हो जाएगी, एड्रेस होना चाहिए ना कहाँ जाना है हमें। मतलब इतनी दूर लाने की क्या तुक थी, हम वहाँ नहीं बैठ सकते थे? नहीं तो वो रास्ता नहीं बंद। अभी आए हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा श्रृंगार का सामान लेने, श्रृंगार यस श्रृंगार। फाइनली हमारी ऑलमोस्ट शॉपिंग डन हो गई है और मार्केट भी बंद होने लगी है, और मेरे को ना एक सूट भी लेना था लेकिन अब टाइम नहीं है क्योंकि बच्चों को होमवर्क भी करना है, इसके साथ ही इनको सोना भी है क्योंकि दिन में सो जाते हैं तो फ्रेश रहते हैं। आज दिन में नहीं सोए स्कूल से आते ही, मैं इनको इधर ले आई थी, स्कूल से भी लेट आए थे, वहाँ भी काफ़ी देर खड़े रहे थे, पर मैंने बताया जैसा कि एक्सीडेंट हो गया था, बच्चे उस वजह से थके हुए हैं बहुत ज़्यादा तो परेशान हो रहे हैं। अब बाकी का घर चलते हैं और देखते हैं, और मैं तो वैसे ही थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा कि सुबह से काम में लगी हुई थी बहुत सारी, बस समझ ही नहीं आता यार। और एक तो फेस्टिव ऐसे निकल जाते हैं कि काम बहुत सारा होता है, दूसरा मार्केट के चक्कर बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ के ना मार्केट की एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, और मैं पिछले कई साल से देख रही हूँ कि पूरा मार्केट एक ही कलर से डेकोरेट होता है, मतलब जो लाइटिंग होती है वो सेम कलर होती है, सब लोग ग्रुप में लाइटिंग ऑर्डर ही करते होंगे, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि अपनी अपनी पर्सनल है,
और पूरा मार्केट आप देख सकते हो एक ही कलर में है। और यहाँ हम आए हैं डिनर करने क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, सब थके हुए हैं। मुकेश भी ऑफिस से आके, मतलब मुकेश ऑफिस से नहीं आए थे, हम पहुँच गए थे, हम लोग घर से कैब से आ गए थे, तो मुकेश मुझे हॉस्पिटल में मिले थे डायरेक्ट, इधर नहीं पैसा नहीं। तो अब हम यहाँ करेंगे डिनर। सॉरी, टक्कर हो गई थी मेरी किसी से, टक्कर मार के चल रही हूँ। सच में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बुरी हालत हो रही है और मेरा गला भी पता नहीं पेन कर रहा है। ऐसे ना हो मैं बीमार हो जाऊँ। कल रात को मेरे को ऐसे भी फील हो रहा था जैसे कोल्ड होने वाला है, हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन हाँ फील कर रही हूँ कि जैसे भारी हो रहा है। मौसम ऐसा गंदा वाला हो रहा है ना, काम के चक्कर में गर्मी ज़्यादा लगती है तो मैं फ़ैन तेज कर लेती हूँ, बाकी मौसम ठंडा है। अभी जैसे मैं गाड़ी से निकल के बाहर इस जगह वॉक कर रही हूँ ओपन में, तो यहाँ पे ठंडा फील हो रहा है बहुत, मतलब अच्छे से ठंडा। ऐसे लग रहा है कि हल्का सा कुछ वॉर्म आपने डाला, वेयर किया होता लाइक शॉल वगैरह ले लेते, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। और मुझे लग रहा है अब गाड़ी में शॉल रखना पड़ेगा परमानेंट, कब सर्दी लगने लगे पता नहीं। तो डिनर हमारा हो गया है और डिनर सीरियसली बहुत टेस्टी था, बफेट खाया आज हमने। बहुत कम होता है कि हम बफेट खाएं क्योंकि टुक्कू का क्या होता है, टुक्कू ना उसमें पास्ता और नूडल्स वगैरह में ज़्यादा घुस जाता है और फिर ऊपर से पानी पीता है तो मैक्सिमम होता है वो वॉमिट कर दे, तो इसलिए हम लोग बफेट अवॉइड करते हैं। लेकिन आज बफेट ही खाया और मैंने तो सीरियसली बहुत मज़े से खाया, टेस्टी भी बहुत था। शूट इसलिए नहीं किया कि बफेट में थोड़ा सा ना रश हो जाता है। लॉक कर दिया ना, शीशो ना बेटा कहाँ है, चलो 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 कहे उसको मम्मी चाहिए। अरे मेरा बच्चा, ओ शाबाश, ओ शाबाश, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, ओए मम्मी इतनी जोर से आज। और हम आ गए हैं अपने घर। सबसे पहले मैं चेंज करूंगी, उसके बाद करूंगी दूध गरम। अब मैं टेबल की हालत देखो आपको दिखा चुकी हूँ, फिलहाल मेरा टेबल पूरा किचन बन चुका है। और ये आधे डब्बे हैं, आधे बाहर हैं उधर सुखाए हुए थे, तो दिन में मैं तो शाम को ही चली गई थी, 4:30-5 बजे के करीब मैं गई थी, अभी लौट तो बस लगे हुए हैं अपने कामों में, जैसे जैसे हो रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कल मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, बहुत अच्छी सी चीज़ लेके आई हूँ मैं, बहुत प्यारी सी, बहुत स्वीट सी और मेरे दिल के बिल्कुल क्लोज है वो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं कल आपको एक अच्छे ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना। मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।